सियालकोट से खबर शामिल करते हैं, जहां पर थाना मोत्रा के इलाका मोजा बीट से मसीही बच्ची को अबाश नौजवान शकील वल्द मराजदीन और नवीद वल्द मराजदीन ने गन पॉइंट पर अगवा किया और गाड़ी में डालकर नामालूम मकाम पर ले गए, जहां असला के जोर पर हरासा करते रहे, उसे मजहब तब्दील करके शादी करने पर मजबूर करते रहे, इनकार पर जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया। अगवाकारों के चंगल से आजाद होने वाली बच्ची मसीही तहरीक बेदारी के दफ्तर पहुँच गयी। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, ताहम कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। मसीही तहरीक बेदारी के चेयरमैन डॉक्टर इमैनुअल आदल गोरी, इमैनुअल नवाब, एडवोकेट डॉक्टर एलवन जान फराज, दानिश जॉन महबूब, सदर सेंट्रल पंजाब इंसाफ मिनोरिटी विंग रोजी गिल, डिस्ट्रिक्ट मेंबर इंसानी हकूक और आमिर वकार ने मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है।